हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब में। अभी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी का वीडियो का। बात करते हैं कैसा रहा एग्ज़ाम, किस तरह के क्वेश्चंस आए, जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसमें क्या क्या टॉपिक टच हुआ। करंट अच्छे थे, करंट कितने होंगे, करंट के पाँच क्वेश्चन थे और पाँच क्वेश्चन कंप्यूटर से थे, हिस्ट्री से। कंप्यूटर से क्या आया, कंप्यूटर से ये अदर जैसे रैंडम एसएस मेमोरी, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, फर्स्ट सेवन में फर्स्ट में आया था वैसा ही सर उसका था, प्राइमरी में उसमें पूछा था सर। मतलब कौन सा इसमें सर्च इंजन नहीं है, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो था। अच्छा, अभी जो स्थाई मेमोरी के बारे में पूछा गया था, कौन सी कंप्यूटर की स्थाई मेमोरी है, और संविधान से आया था। संविधान में ये थे चार क्वेश्चन ऐसे थे जो उससे आए थे, अनुच्छेदों से, और एक आया था भाग सेकंड में, भाग सेकंड किससे अवेलेबल है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किससे होता है, और आर्टिकल 50 क्या था, 72 जो क्षमादान किससे है, 72 क्षमादान से किससे, भाग दो किससे है, भाग दो आया, भाग दो मतलब भाग दो संविधान का पार्ट टू किससे रिलेटेड है, संविधान के अंदर 22 भाग उसमें भाग दो पूछा था, उसमें किससे आया वो, उसमें क्या कंटेंट है, क्या इसके ऑप्शन से रिलेटेड, हां किससे संबंधित था, और सब कॉमन रहा, बढ़िया रहा। हेलो, कितने दिए मैंने? 125। अरे अच्छा, एग्जाम के नाम पर बकवास हो रहा है, एक ही क्वेश्चन तीन तीन चार चार बार घुमा घुमा के वही पूछ रहे हैं, वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेम क्वेश्चन वही आ रहा है बार बार। मैं खुद रिटर्न करके देख रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया था। जैसे जैसे कुछ उदाहरण, जैसे कि कथन निष्कर्ष में दो क्वेश्चन थे और एक एलसीडी वाला क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन थे, अब याद तो नहीं, आंसर सेम है उसका, मतलब बिल्कुल जरा सा, मतलब जैसे 300 है, 300 है और 300 की जगह दूसरे उसमें 400 हो गया, बाकी सब वही है, 300 अभी 3 का गुणा करना, तब 4 का गुणा करना है, बस आंसर सेम आ जाएगा, बस सेम यही हो रहा है। और कुछ उदाहरण बताएंगे क्या क्वेश्चन है? अब एक क्वेश्चन था कि उसमें ए बी सी तीन ग्रुप थे, ठीक है, और उसमें परसेंटेज लिखा हुआ था, तीन ग्रुप में जो परसेंटेज था तो उसमें था कि 300 वाले में 40%, 300 का 40% कितना होगा, फिर 400 का 40% कितना होगा, बस ऐसे ही था, सेम था। अच्छा, रीजनिंग में किस किस टॉपिक को टच किया गया? रीजनिंग में लगभग सभी टॉपिक टच हुए हैं, जितने की यूपीएससी पूछता है वो सभी टॉपिक है, कथन सिंप्लीफिकेशन, ब्लड रिलेशन और एज, और मतलब मैक्सिमम ये 3 क्वेश्चन हैं जो ज्यादा सबसे ज्यादा किससे था क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष, स्लोजन से चल ही रहा है हर जगह, कथन हर जगह चल रहा है। सबसे मेन चीज क्या है कि ग्राम पंचायत अधिकारी में वो होता है कि मतलब निर्णय लेना, निर्णय पब्लिक के सामने निर्णय लेना, उसी वजह से वो टॉपिक कर रहे हैं कथन निष्कर्ष वाला पूरा का पूरा, ये ज्यादा इसी वजह से मेन प्रॉब्लम है। अच्छा, टाइम वगैरह से, घड़ी से, टाइम सफिशियंट था, हाँ बढ़िया है, पेपर जो ग्राम विकास अधिकारी का जो होना चाहिए ना वो लेवल है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बताएंगे करंट से क्या आया, क्या अभी ताजा का कितने आए, ताजा क्वेश्चन कुछ आए करंट में? अभी थाईलैंड में एक वो ओमान में फीफा वर्ल्ड कप, ओमान का एक ओमान से रिलेटेड आया था ऐसी क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ ये क्वेश्चन था, और जैसे वो टेबल टेनिस का जो किसने विजेता है, कौन सा विजेता है, 2018 का तो शायद पीवी सिंधु, 2018 का विंबलडन विजेता, महिला विजेता कौन थी, 2018 का कौन थी जी, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन थे। करंट अफेयर को काफ़ी टच किया, 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर में दिए गए थे। उत्तर प्रदेश से पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आम किस जिले में उगाया जाता है, ये सब चीज़ें थी, मतलब ग्रामीण चीज़ों से जो टच कराना था वो चीज़ें छूट गई हैं, कुल मिला के कुछ चीज़ें उसमें नहीं दिया, उसमें नहीं थे। कुछ स्टैटिक्स के बारे में भी था, कुछ आंकड़े भी थे पेपर, हाँ पेपर थोड़ा सा टफ था, बोले तो पेपर का पैटर्न भी थोड़ा सही था। आंकड़े क्या थे, आंकड़े में से कुछ ज्यादा। अच्छा, कितने अटेम्प्ट दिए मैडम? सर 78 क्वेश्चन अटेंड किए हमने, यूपी करंट से क्वेश्चन थे ज्यादा। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आपको ध्यान? हाँ, लोथल शब्दा के बारे में पूछा गया था, और संविधान से भी क्वेश्चन आए थे। क्या क्या थे संविधान से? संविधान से एससी एसटी किस अनुसूची में है ये आया था, एसटी एक्ट किस अनुसूची में, अच्छा जो अनुसूची बनाई गई है उसके बारे में था, हाँ जो मतलब एससी एसटी के लिए कौन सी अनुसूची है वो आया था। और क्या था? और ठीक था, जो भी था पेपर अच्छा गया। हिंदी से क्या आया, हिंदी में कुछ बताएंगे? हिंदी में कुछ समानार्थी वगैरह शब्द जो थे वो भी आए, और मतलब कोई
डिफरेंट शब्द टाइप की जो उसने दिया हुआ है पूरा, उसमें से डिफरेंट शब्द छाटना, उनमें से कुछ पूछा गया बट जो लेवल होना चाहिए था पेपर का वो नहीं है। वो नहीं था मतलब हाई था लो था? नहीं लो था, लो था, लो था। उसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बहुत ज्यादा रिपीटेड थे, बहुत ज्यादा रिपीटेड थे क्वेश्चन, लोगों को लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूजन कर दिया, वो आंसर लिख देते हैं और गलत हो जाता है। मैथ में तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैथ तो थोड़ा उलझाऊ था, सबसे ज्यादा उलझाऊ था उसमें, और बाकी तो सब सही था। में केवल वो कथन और वक्तव्य, कथन और वक्तव्य, बस केवल एक ही चीज थी पूरी उसमें। कितने अटेम्प्ट किए आपने? हमने दो अटेम्प्ट किए हैं, लगभग 140 140 नेगेटिव मार्किंग है, ऐसे ही माइनस हो जाएगा अगर माइनस हो जाएगा, लेकिन जो जीएस था वो मेरे को बहुत सरल लगा और रीजनिंग में भी अच्छा था। रीजनिंग तो लोग बता रहे हैं कि काफी रीजनिंग बहुत हार्ड थी, बहुत हार्ड थी रीजनिंग में, जो बैंक के लेवल की थी वो अपने जिसकी यूपीएसएससी की पैटर्न की थी, पूरी बैंक के लेवल की रीजनिंग। फर्स्ट शिफ्ट में भी लोग बता रहे थे कि पीओ लेवल का जो हिंदी जो थी उस लेवल की नहीं आई, ना छंद अलंकार कुछ नहीं आया, बिल्कुल सॉफ्ट थी हिंदी। में क्या क्या टॉपिक टच हुआ है? इंडिया में समानार्थी थे, पर्यायवाची थे, और सबसे ज्यादा जिसमें थे संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अवयव उसमें आए थे। एक पैसेज था बस ज्यादा थी उसमें, व्याकरण सब हाँ ज्यादा थी, विशेषण भी थे, अलंकार बिल्कुल नहीं थे उसमें, अलंकार ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं आया था, और सबसे ज्यादा आया था कथन निष्कर्ष उसमें आए थे जो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष, अच्छा आया था पेपर, बहुत अच्छा। और ये मैं हिंदी का बता दूँ तो हिंदी में तत्सम तद्भव ये वाले क्वेश्चन आए थे, और वर्णमाला से आए थे, स्वर वाले आए थे, और जो बाकी वाले बाकी के अंदर अंडरलाइन वाले जो क्वेश्चन आए थे, कौन सा विशेषण है विशेष से है, ये सब पहचानने वाले ज्यादातर आए थे क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन कथन निष्कर्ष थे उसके, रीजनिंग में कथन निष्कर्ष ज्यादा थे। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे थे जो उनका आंसर जब हम निकाल रहे हैं तो मैच आंसर बिल्कुल हो ही नहीं रहा ऑप्शन में, कुछ चार क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे थे जो गलत थे मेरे साथ, लोगों को भी लगा कि आंसर गलत थे। हां आंसर नहीं उसमें तो एक जैसे एक क्वेश्चन उसमें था, उसमें का रेखांकित चिन्ह था आंसर हुआ, लेकिन उस क्वेश्चन के ऊपर रेखांकित चिन्ह था ही नहीं। जो कल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या सलाह है? आप लोगों का अनुभव तो हो गया अभी रीजनिंग की, अगर जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है, जिसने जो बैंक का स्टूडेंट है उसने बैंक की रीजनिंग लगाई है वो लगाई, तो उसके लिए बहुत अच्छा पेपर रहेगा। नहीं सबसे अच्छा है वो अपना माइंड प्रिपेयर करके आए, पेपर तो देख ही लेंगे अब जाके, वो कुछ तो उन्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन माइंड ऐसा क्रिकुलर करें जो भी पेपर जो अटेम्प्ट कर रहे हैं ना उस समय बिल्कुल भी हड़बड़ाए नहीं, पेपर बहुत अच्छा आ रहा है, सर आ रहा है, जीएस तो बहुत अच्छी आ रही है, तैयारी केवल और केवल रीजनिंग में थोड़ा फोकस कर लें बस, जीएस में देख लें, हिस्ट्री से भी अच्छे क्वेश्चन आए थे, ऐसे आए थे जो एक्सपेक्टेड हैं कि हाँ ये ग्राम विकास अधिकारी के होने चाहिए, ऐसे नहीं थे, हाई लेवल नहीं थे, बिल्कुल हाई लेवल नहीं थी, हाई वो जीएस और हिंदी बिल्कुल हाई लेवल नहीं थी। थैंक यू। कोई हिस्ट्री से मुगल कालीन के मुगल से हड़प्पा सभ्यता से और जो साम्राज्य के जो राजा थे उनके बारे में। कितने अटेम्प्ट दिए? 120 लगभग। अच्छा क्या थे करंट की बात करें तो करंट अफेयर्स में क्या क्वेश्चन आया? यूपी स्पेशल काफ़ी था, यूपी था, क्या था यूपी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन? जो मतलब इस समय जो कल्याण योजनाएं चल रही है वही सही। कौन कौन सी योजना के बारे में पूछा? पता अभी ध्यान नहीं होगा। अच्छा अच्छा। और हिंदी का? हिंदी में संज्ञा विशेषण सर्वनाम और जो मतलब वो रहता है पैसेज टाइप का, मुहावरे मुहावरे आपने भी दिया अभी? जी जी जी। क्या रहा मुहावरे में, क्या पूछा गया? मुहावरे सरल थे, सरल थे, ज़्यादा टफ नहीं थे, पेपर इजी था, समय की कमी थी, पेपर इजी था काफ़ी, समय की बहुत कमी रही, यही 2.5 घंटा का होता तो आराम से अच्छा हो जाता। एग्जाम इसीलिए होता है। कितने अटेम्प्ट आपने दिए? मैंने 104। अच्छा अच्छा। कुछ क्वेश्चन बताएंगे करंट में क्या आया था? अब तो याद भी नहीं है मेरे को। बता सकता हूँ जैसे किसान के लिए कौन सा अभी योजना आया है वो आया था एक क्वेश्चन। हाँ और मुहावरे तो बहुत ईजी आए थे, हिंदी तो काफ़ी ठीक थी, लेवल ठीक था हिंदी का, लेवल ठीक था। हाँ बाकी जीके में ही थोड़ा सा जीएस में प्रॉब्लम थी, और साइंस तो ज़्यादा नहीं आया था। जीके में क्या आया, जीके में क्या क्वेश्चन थे? जीके बहुत अच्छी थी, हड़की थी बहुत, मतलब क्वेश्चन मतलब हर किसी। हाँ नहीं नहीं संविधान के कोई क्वेश्चन आए हुए संविधान के? क्या क्या संविधान से रिलेटेड क्या? संविधान से जैसे उपराष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होता है वो किस अनुच्छेद से होता है? अच्छा संविधान के किस अनुच्छेद में उसके बारे में? हाँ तो ये आया था क्वेश्चन। और क्या था संविधान से रिलेटेड? कोई अनुच्छेद मतलब अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद में रखा गया है उसके लिए, मतलब किस अनुच्छेद में सुधार किया जा रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में लोगों ने बताया कि रीजनिंग में
जो क्वेश्चंस थे वो एक एक पेज के थे जी बिल्कुल। क्या सेकंड शिफ्ट में भी यही था? यही था, पढ़ने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम दिया नहीं पेपर के लिए, बड़े बड़े कथन थे, दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब कुछ कथन बताएंगे उदाहरण, कुछ कथन इतना नहीं बड़ा बड़े थे कथन, तो जैसे तो अभी वाले थे ज़्यादा थे एज पर डिपेंड, जो एज पे थे जैसे क्या थे उसे पॉसिबिलिटी जताई जा रही थी कि यहाँ पर धारणा है कि ये 40 साल का है तो उसे पूछा जा रहा था उसी फ्लक्स में नीचे बेसिस पे। तो आपने देखा किस तरह के क्वेश्चन आए सेकंड शिफ्ट में वीडियो के UP SSSC। अब कल फिर मिलेंगे और कल दोनों शिफ्ट को मैं बताऊँगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चन आए, क्या चल रहा है। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों को जिन्होंने एग्ज़ाम देना है जिनको, और अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा वो एग्ज़ाम। मैं सन्मय प्रकाश, यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़ के लिए।